एक शक्तिशाली जीवन कैसा जीना और उसके लिए क्या करे, उसके बारे में और एक उसका आस्पेक्ट मैं आज बताने वाला हूं, जिससे आप यदि अमल में लाते हैं तो डेफिनेटली एक सक्सेसफुल जीवन आप जी सकते हैं। तो आइए, आपका स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला, नागपुर, ठाणे, मुंबई, यह हमारे हॉस्पिटल्स हैं। मनोरोग तथा व्यसनी लोगों को हम रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं, रिश्तेदारों के अलावा भर्ती करते हैं। आज बताने वाला हूँ शक्तिशाली जीवन कैसे जीना है। लोग असफल होते रहते हैं, उससे डिप्रेस होते हैं और फिर समझता नहीं उनको कि ऐसा मेरे लाइफ में क्यों हुआ। लोग फिर अपने नसीब को दोष देते हैं। मैं लोगों को यह बोलता हूँ कि देखो, आप जो आज बने हैं वो आपने अतीत में जो भी कुछ किया है उसके वजह से आप आज वर्तमान में हो। जैसे आपने कुछ मैगजीन पढ़े होंगे, कुछ किताबें पढ़ी होंगी, आपके ऊपर माँ बाप ने कुछ संस्कार किए होंगे, आपने कुछ मूवी देखी होंगी, आपने कुछ अखबार पढ़े होंगे, आप कोई स्कूल या कॉलेज में गए होंगे, आपके टीचर ने आपको जो जो पढ़ाया होगा वो आप पढ़े होंगे, मतलब जो भी आपने किया है उसकी वजह से आप आपका वर्तमान आज है। आप जो भी माइंड में डाल रहे हैं, जो भी माइंड में डाल रहे हैं आप अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो भी आप डाल रहे हैं वो आपके बिलीफ बन रहे, वो आपके विश्वास बन रहे और वहां से आप आपकी जिंदगी जी रहे। मगर समझो, जो भी कुछ माइंड में गया है अभी आपके पास में आपकी क्रिया है, कृति है, वो तो आपके हाथ में, वो तो आप कर सकते हो। तो हर बार आपको पूछना पड़ेगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, कौन सी कृति कर रहा हूँ। अपने आप को पूछना पड़ेगा कि मैं क्या ये जो कृति कर रहा हूँ बराबर है, जो भी मैं क्रिया कर रहा हूँ वो बराबर है। खुद को पूछना पड़ेगा या फिर आजू बाजू के लोगों को पूछना पड़ेगा, आपके माँ, आपके पिताजी है, आपके गुरु है, आपके कोच है, आपके मैनेजर है, आपके दोस्त है, उनको सबको पूछना पड़ेगा कि भाई जो क्या मैं जो कर रहा हूँ बराबर है कि नहीं है। लोगों से फीडबैक लेना पड़ेगा। मगर लोग फीडबैक, मतलब जो भी कुछ फीडबैक जो है लोगों से पूछ के जो कुछ करना है वो करने को तैयार नहीं रहते, कि उनको डर लगता है कि लोग हमको क्रिटिसाइज करेंगे, फिर हमको बुरा लगेगा और वो मैं फेस करने को तैयार नहीं रहता। वैसे ज़िंदगी तो आपको हर समय फीडबैक देती रहती है मगर हम उसके ऊपर ध्यान देते नहीं। यदि मेरी गाड़ी थोड़ी सी भी आवाज़ कर रही है तो मैं उसके ऊपर ध्यान देता नहीं हूँ, देखेंगे बाद में ऐसा सोचते हैं। थोड़ा सा यदि दांत में दर्द हो रहा है तो उसके ऊपर मैं ध्यान देता नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा जब दर्द होगा ना तब मैं डॉक्टर के पास में जाऊँगा। तो ज़िंदगी कुछ ना कुछ आपको फीडबैक देती रहती है, उसके ऊपर हम ध्यान देते नहीं, अटेंशन देते नहीं है और एक दिन फिर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है और फिर वो ब्रेकडाउन जो होता है, खराबी होती है, उसका फिर सामना करना पड़ता है। तो ज़िंदगी में हरदम फीडबैक लो। जो भी अंदर गया है वो जान दो, वो डालना नहीं डालना, कौन सा अंदर डालना, ये आपके हाथ में आज वर्तमान में है और कृति करना आपके वर्तमान में है। आपको ये देखना पड़ेगा कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है और क्या नहीं चल रहा है। जो भी चल रहा है उसको और करो, मतलब जो भी एक्शंस, जो भी कृति, जो भी क्रिया, उससे आपको इफेक्ट मिल रहा है, उसके वजह से आपको ये आउटकम्स मिल रहे, रिजल्ट्स मिल रहे, आप करो। और जो भी आपको नए रिजल्ट्स मिल रहे, जहाँ भी आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे उसको बंद करो, जो भी चल रहा है वो चलने दो, जिससे फ़ायदा मिल रहा है वो करो, जिससे नुकसान हो रहा है वो बंद करो। ज़िंदगी में कौन सी कृति करना वो आपके हाथ में है। जैसा आप टीवी देखने में समय कमा रहे हो, बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा खाना पीना इसमें मशगूल है और वहाँ वो करते रहते हैं, आप कम सोते हैं, मतलब ज़रूरत नहीं उतना ज़्यादा खाना खाएंगे, समय पर नहीं जाएंगे, लोगों का अपमान करेंगे, अफवाहें फैलाएंगे, मतलब आप जो भी चल रहा है उसमें आप देखो कि आप क्या ऐसा कर रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी ऐसी हो रही है। जो भी आपकी ज़िंदगी आज वर्तमान में है, आपने कौन सी कृति किया, क्या ऐसा किया, क्या लोगों से मैंने फीडबैक लिए, मैंने ऐसा क्या सोचा, तो ऐसा सब पूरा विचार हम कर दें तो डेफिनेटली हमको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज का विषय यही है कि आपने यह देखना है कि मैं अंदर क्या डाल रहा हूँ, जो अंदर गया है उसको मैं कैसा ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ, उसको कैसा बदल सकता हूँ, मुझे कौन सी कृति करनी है, कौन सी क्रिया करना है कि जिसके वजह से मैं मेरा लाइफ बदल सकता हूँ। नंबर तीन, लोगों का फीडबैक लेना, जो भी मैं कृति कर रहा हूँ उसके ऊपर लोगों का फीडबैक लेना। लाइफ जो है वो ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमको फीडबैक मिलते रहते, वो फीडबैक लेना, अलर्ट्स मिलते वो अलर्ट्स लेना, सूचनाएँ मिलती रहती वो सूचनाएँ लेना,
और सूचना जैसी मिलती है, थोड़ा अलर्ट मिलता है, तो उसके ऊपर कृति करना, ताकि आगे चलने वाला जो खराब है, जो ब्रेकडाउन हो सकता है, वो होगा नहीं। तो यदि हम करते हैं तो पूरी ज़िंदगी मैं जैसी चाहूँगा वैसी होंगी। ज़िंदगी के ड्राइविंग सीट में मैं बैठा रहूँगा, स्टीयरिंग व्हील मेरे हाथ में रहेगा और ज़िंदगी पावरफुल जिएगी। सभी लोग पावरफुल ज़िंदगी जीना चाहते हैं। सभी लोगों को ये वीडियो फैलाओ, बताओ कि देखो ज़िंदगी पावरफुल कैसी जीना है। तो आपके संपर्क में जितने भी लोग हैं, व्हाट्सएप के ऊपर जितने लोग हैं, फेसबुक के ऊपर है, सबको ये वीडियो फैलाओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे। और हमारा जो मकसद है कि सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, इसमें आपका हाथ लग जाएगा। आप ये हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। आप लाइक करते हैं, हमारा उत्साह बढ़ता है। आप बेल आइकॉन को हिट करो, ताकि मेरे वीडियो आपको सबसे पहली बार उसका इंटीमेशन आ जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।